लॉकडाउन में मजदूरों का पैदल पलायन उस वक्त मथुरा पुलिस पर भारी पड़ गया जब राजस्थान यूपी बॉर्डर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन कराते हुए यूपी पुलिस ने पैदल पलायन कर रहे मजदूरों को सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया। मजदूरों के बहुतायात में होने पर मजदूर पुलिस कर्मियों पर भारी पड़ गए। पुलिस और मजदूरों के बीच हुई झड़प में दो दरोगाओं सहित कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मियों के चुटैल होने की भी बात सामने आ रही है। फिलहाल तनाव और पुलिस पर हमले की बात की जानकारी होते ही एसएसपी और जिला अधिकारी मथुरा सहित कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उधर एसएसपी भरतपुर ने सारे मामले में लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर औद्योगिक नगर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। दरअसल अन्य प्रदेशों से मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, जिसकी वजह से कोरोना लगातार यूपी में अपने पैर पसार रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही मजदूरों को समुचित व्यवस्था के तहत घर तक पहुंचाने की बात कही थी। थाना मगोरा की जाजन पट्टी पर यूपी पुलिस मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण व क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया पूरी कर ही मजदूरों को प्रवेश कराकर उनको उनके गंतव्य तक छोड़ने में लगी थी, लेकिन राजस्थान बॉर्डर से मजदूर लगातार यूपी में जबरन प्रवेश कर रहे थे और राजस्थान पुलिस उन मजदूरों को नहीं रोक पा रही थी। बताया जा रहा है कि कल शाम को राजस्थान सीमा पर इकट्ठे हुए मजदूरों को यूपी पुलिस ने आज भेजे जाने का आश्वासन दिया था और उसी की व्यवस्थाओं को पूरा करने में मथुरा प्रशासन जुटा हुआ था। तभी मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया और राजस्थान पुलिस के लचर व्यवहार के चलते मजदूर आगे बढ़ने लगे। मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में दो दरोगाओं सहित कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। बॉर्डर पर बवाल व पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना पर तत्काल ही एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और जिला अधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंच गए। फिलहाल एसएसपी मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर और डीआईजी भरतपुर हैदर अली वार्ता कर मामले का हल निकालने में लगे हुए हैं। सूत्रों की अगर माने तो वार्ता के दौरान तय हुआ है कि अब कोई भी मजदूर पैदल यूपी की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। सभी इंतजामों के बाद ही सभी मजदूरों को मथुरा प्रशासन उनके घर तक भिजवाएगा। तब तक सभी प्रवासी मजदूर राजस्थान में ही रहेंगे। डीआईजी भरतपुर हैदर अली ने बताया कि मजदूरों के पैदल पलायन पर यूपी प्रवेश मामले में थाना प्रभारी औद्योगिक नगर की शिथिलता की बात सामने आई है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया है। कल 3-4 दिन से ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ से श्रमिकों का आदान प्रदान जारी है। इसमें मथुरा पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है। रात को कुछ इश्यू आया था, कुछ बाहर के श्रमिक थे बिहार के छत्तीसगढ़ के, जिनको के आदेश के मुताबिक नहीं जाने दिया। हमने भी अपने उच्च अधिकारियों से बात की थी और अब ये तय किया है कि ये लोग जो है वो ट्रेन से बसों से जाएंगे, तो उनको हमने अपने यहाँ ठहरा दिया है। सुबह कोई इशू हुआ था आपस में जी, तो उसको हमने बैठ के बात कर ली है और जो भी इसमें जो एयरिंग ऑफिसर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जाँच करेंगे। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी मथुरा सर्वज्ञ राम मिश्र ने बताया कि राजस्थान बॉर्डर पर कुछ मजदूरों को लेकर डिस्प्यूट हो गया था। एसएसपी भरतपुर से बात की गई है, मामला सुलझ नहीं जाता तब तक मजदूरों को नहीं आने दिया जाएगा। साथ ही भरतपुर प्रशासन ने मामले में शिथिलता बरतने पर दोषी इंस्पेक्टर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पिछले 7 और 8 तारीख को ये तय था कि जो राजस्थान से श्रमिक आएंगे उनको हम लोग उनके जनपदों को भेजेंगे। इस क्रम में 10,000 आने थे, 15,000 से अधिक श्रमिकों को हमने उत्तर प्रदेश की सीमा से उनके जनपदों को भेज दिया था और ये ऑपरेशन कल शाम को बंद हो गया था। आज सुबह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई कि बॉर्डर पे आकर के उधर के पुलिस के अधिकारियों ने, हमारे पुलिस के जो अधिकारी साथी थे, आपस में कुछ विवाद था कि बॉर्डर को खोले, जबकि बॉर्डर सील रखा गया है आदेश से, तो उसको हम लोगों ने बैठ के तय कर लिया है। उद्योग नगर के जो इंस्पेक्टर थे उनका कुछ रुख जो है थोड़ा आक्रामक या उस तरीके था, उसमें भरतपुर एसएसपी साहब ने अकॉर्डिंग टू रूल्स कार्रवाई कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, भरतपुर में तय हो गया है कि वहाँ से कोई भी लेबर या श्रमिक अब तब तक नहीं भेजेंगे जब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी और वो अपने यहाँ से जो छत्तीसगढ़ के लेबर हैं, बंगाल के हैं, बिहार के हैं, जिनको उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से प्रयास कर रहे थे और उसी को लेकर की ये चीज़ें थी, तो उनको अब अपने साधन से वो लोग भेजेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है मुझे अपने उच्च अधिकारियों से बात करके। वर्तमान में कोई समस्या नहीं है, मौके पे आप लोग देख रहे हैं।